Today we are going to discuss network security and management. The topics are security mechanisms and fundamental security design principles. First of all, we will discuss what is security mechanism. Security mechanism is a process or a device incorporating such a process that is designed to detect, prevent or recover from a security attack. तो हमने डिस्कस किया था इन X800 आर्किटेक्चर वी हैव अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म सिक्योरिटी सर्विसेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सिक्योरिटी सर्विसेज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म वी कैन इंप्लीमेंट दीज आर द सिक्योरिटी मैकेनिज्म वी कैन इंप्लीमेंट फॉर आवर नेटवर्क सिक्योरिटी लाइक encipherment, digital signatures, access control, data integrity, authentication, exchange, traffic padding, routing control, notarization, and on the other hand, we have some specific pervasive security mechanism. So specific or pervasive security mechanism mein kya difference hai? स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो किसी नेटवर्क सर्विस के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं किसी स्पेसिफिक नेटवर्क सर्विस के ऊपर और जो परवेसिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं वो इन जनरल यूज होते हैं वो किसी भी लेयर के ऊपर या किसी भी नेटवर्क सर्विस के ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम इन सब सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को डिस्कस तो नहीं करेंगे लेकिन इनकी डेफिनेशंस को हम कमेंट करेंगे इनकी जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं उनको हम कमेंट करेंगे और उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे इनको डिटेल में जो है वो हम अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनके लिहाज से हम इनको डिस्कस करेंगे तो ये टेबल आपकी बुक में गिवन है पेज 32 एंड 33 के ऊपर और इसमें जितने भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं उनकी डेफिनेशन है तो इनको हम सबसे पहले स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को डिस्कस करते हैं तो जो स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है इसको किसी भी प्रोटोकॉल लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और ये OSI सिक्योरिटी सर्विसेज जो लेयर्स के ऊपर होती हैं उन पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसमें सबसे पहले जो आती है वो इनसाइफरमेंट है इनसाइफरमेंट क्या होती है इनसाइफरमेंट ये है कि हम अपने टेक्स्ट के ऊपर या डेटा के ऊपर कुछ ऐसे मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट करें और उन एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमारा डेटा इस फॉर्म में आ जाए जो इंटेलिजिबल ना हो इंटेलिजिबल का मतलब है कि ऐसा डेटा विच इज नॉट अंडरस्टूड बाय द अपोनेंट उस डेटा को सिर्फ वही जो मेंबर है या जो उसमें यूजर है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है जिसके पास उसकी डिसाइफरमेंट है या जो उसको जो जिसके पास उसकी की है अदरवाइज जो अपोनेंट्स हैं जो पैसिव अटैक्स कर रहे हैं आपके नेटवर्क के ऊपर दे आर नॉट एबल टू गेट इनसाइट्स ऑफ योर डेटा The transformation and subsequent recovery of the data depends on an algorithm and zero or more encryption keys. तो इसमें जो encipherment में हमारे पास दो तरह के algorithms होते हैं symmetric algorithms और asymmetric algorithms. Symmetric algorithm में हमारे पास sender और receiver के लिए same keys होती हैं और asymmetric में sender के लिए अलग की है और receiver के लिए अलग की है तो जो भी हमारे पास यूजर्स हैं इफ दे हैव एक्सेस टू कीज दे कैन व्यू द डेटा अदरवाइज कोई भी ओपोनेंट है जो डेटा को या आपके नेटवर्क को इंटरसेप्ट करता है
और उसमें से कुछ फाइल को एक्सेस कर लेता है तो वो फाइल जो है उस अपोनेंट के लिए रीडेबल नहीं है। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर्स। तो कुछ डेटा किसी भी डेटा पेंडेंट टू आर अ क्रिप्टोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ डेटा यूनिट दैट अलाउज अ रिसिपिएंट ऑफ द डेटा यूनिट टू प्रूव द सोर्स एंड इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा यूनिट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट फोर्जरी। तो डिजिटल सिग्नेचर हम एम्बेड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, फाइल्स के साथ। डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली प्रूफ होता है कि ये जो डेटा जो यूजर सेंड कर रहा है वाकई ही उसी से आ रहा है। तो डिजिटल सिग्नेचर है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, वी हैव इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में से मुराद है कि हम उसके साथ कोई भी जो सिग्नेचर सिंबल है वो असाइन करते हैं या उसके साथ ऐड करते हैं। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर में हम उसके साथ कुछ डेटा अपेंड करते हैं या उसके साथ कुछ ऐसा डेटा यूनिट अलाउ करते हैं जिसके ज़रिए रिसिपिएंट को आइडिया होता है कि ये जो डेटा जहाँ से आ रहा है, ये जो फाइल जहाँ से अवेलेबल हो रही है, ये वाकई वहीं से आ रहा है। तो उसकी जो ओरिजिनेशन है, उसकी जो उसको वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स यूज होते हैं। बहुत सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जहाँ पे जो यूजर है दे मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। इफ दे हैव परफॉर्म्ड एनी ट्रांजेक्शन्स लाइक बैंकिंग ट्रांजेक्शन, दे मस्ट प्रोवाइड डिजिटल सिग्नेचर्स। तो दो हमने सिक्योरिटी मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं, इनसाइफरमेंट और डिजिटल सिग्नेचर। जो थर्ड मैकेनिज्म है वो एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या है कि अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म्स दैट इनफोर्स एक्सेस राइट्स टू रिसोर्सेज। तो हम डिफरेंट मैकेनिज्म्स अप्लाई कर सकते हैं जिसके जरिए यूजर किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें और उनको हम राइट्स दें और उन राइट्स की बेस के ऊपर यूजर जो है डेटा तक एक्सेस ले सकें। जो एक्सेस कंट्रोल है वो लॉजिकल भी होता है और फिजिकल भी है। In the fields of physical security and information security, access control is the selective restriction of access. मतलब हम उसके ऊपर कोई hindrance लगाएं ऐसी कि कुछ उसके ऊपर कोई verification हो, like card swiping हो, जिस तरह उसके ऊपर magnetic tape है जो card use होते हैं security, physical security access के लिए, उसमें magnetic tapes होती हैं जिसके ऊपर information embedded होती है जिसके जरिए यूजर की ऑथेंटिकेशन होती है। तो इस तरह की कोई फिजिकल रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है डोर्स के ऊपर या सिस्टम के ऊपर कि वो कार्ड स्वैपिंग से उसको एक्सेस मिले। इसके अलावा यूजर नेम्स हैं, पासवर्ड्स हैं, दे कैन प्रोवाइड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल ऑन द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन एसेट्स। द एक्ट ऑफ एक्सेसिंग में मीन कंज्यूमिंग entering or using permission to access a resource is called authorization. So access control ke zariye actually we are giving authorization to any particular users to have access to information resources. Next hai data integrity. डेटा इंटेग्रिटी से मुराद ये है कि जो डेटा सिस्टम में मौजूद हो वो उसके जो पूरा उसका लाइफ साइकिल है उसके दौरान में वो कंसिस्टेंट रहे। और डेटा इंटेग्रिटी से ये भी मुराद है कि उसकी जो एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे।
Data integrity is the maintenance of and the assurance of the accuracy and consistency of data over its entire life cycle, and is a critical aspect to the design, implementation, and usage of any system which stores, processes, or retrieves data. लाइक एक यूजर फॉर्म है, उसका यूजर एक फॉर्म में डेटा एंटर करता है और वहां पे एक फील्ड जो है नेम की है. आवर सिस्टम शुड बी कैपेबल इनफ टू फोर्स यूजर टू एंटर करेक्ट इंफॉर्मेशन. अगर वो नेम के बजाय अपना टेलीफोन नंबर एंटर करता है तो वो टेलीफोन नंबर उसमें ऐड नहीं होना चाहिए. तो उसको इंश्योर किया जाता है यूजिंग डेटा वैलिडेशन के उसमें जो जिस फॉर्मेट का जिस टाइप का डेटा हम यूजर से लेना चाह रहे हैं यूजर उसी टाइप का उसी फॉर्मेट में डेटा उसके अंदर एंटर करे ताकि जो डेटा है वो कंसिस्टेंट हो और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट उसमें अवेलेबल हो. डेटा इंटेग्रिटी की एक और डेफिनेशन है. डेटा इंटेग्रिटी रेफर्स टू द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी वैलिडिटी ऑफ डेटा ओवर इट्स लाइफ साइकिल. कि जब तक डेटा आपके पास डेटाबेस में अवेलेबल है उसको एंटर होता है उसको प्रोसेस किया जाता है और वो जो डेटा है देन डेटा इज कन्वर्टेड टू इंफॉर्मेशन तो वो डेटा कंप्रोमाइज ना हो. Compromised data, after all, is of the little use to in any enterprise. Not to mention the danger presented by sensitive data loss. For this reason, maintaining data integrity is a core focus of many enterprise security solutions. Data integrity can be compromised in several ways. Each time data is replicated or transferred, it should remain intact and unaltered between updates. अगर like एक banking system है जिसमें different branches हैं तो data वहाँ पे जो different branches का data replicate होता है into the main server. ऐसी transactions जो real time नहीं होती जिसमें real time data की requirement नहीं होती तो ऐसा डेटा ऑफलाइन होता है वो किसी भी ऑफिस ब्रांच में या रिमोट ब्रांच में या किसी बैंक ब्रांच में वहाँ के जो लोकल डेटाबेस सर्वर में इंसर्ट होता रहता है. आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम स्लॉट लाइक 8 hours या 5 hours वो जो लोकल ब्रांचेस के जितने भी डेटाबेस सर्वर्स होते हैं वो डेटा को रेप्लिकेट करते हैं इनटू देयर सेंट्रल ब्रांच जहां पे सेंट्रल डेटाबेस लोकेटेड है. तो इस ट्रांजैक्शन के दरमियान में ये इंश्योर रखना चाहिए कि जो ब्रांचेस का डेटा है वो ट्रांजैक्शन के दौरान में चेंज ना हो. ऐसे मैकेनिज्म अप्लाई किए जाए जिसके जरिए डेटा मॉडिफाई ना हो और ना उसमें कुछ चेंज आए. The term data integrity also leads to confusion because it may refer either to a state or a process. इसको हम data integrity को हम process कहें या state कहें. Data integrity as a state defines a data set that is both valid and accurate. On the other hand, data integrity as a process describes measures used to ensure validity and accuracy of a data set or all data contained in a database or other construct. For instance, error checking and validation methods may be referred to as data integrity process. So, this round we discussed किया कि एक form है जिसमें user की information है. वहाँ पे अगर आप ensure करते हैं कि डेटा जो है वो करेक्ट एंटर हो डेटाबेस में दिस इज डेटा वैलिडेशन एंड दिस इज अ प्रोसेस
तो अगर कोई डेटा सेट जो है वो एक्यूरेट है और करेक्ट है तो उसको हम स्टेट कहेंगे। इसको इस तरह डेटा इंटेग्रिटी वी कैन डिफाइन इट एज अ स्टेट और अ प्रोसेस। इन द ब्रॉड सेंस डेटा इंटेग्रिटी इज अ टर्म टू अंडरस्टैंड द हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी डिजिटल इंफॉर्मेशन। For many, the term is related to database management. For database, there are four types of data integrity. Number one is entity integrity. Number two is referential integrity. Number three is domain integrity. And number four, user-defined integrity. We will not go into details to discuss all these types of data integrity. Now we'll discuss authentication exchange. What is authentication exchange? It says a mechanism intended to ensure the identity of an entity by means of information exchange. तो कोई भी ऐसा mechanism जिसके जरिए हम authentication को ensure करें और उसके जरिए हम किसी भी यूजर को वैलिडेट करें, दैट इज ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। इसको इंप्लीमेंट नेक्स्ट है ट्रैफिक पैडिंग। ट्रैफिक पैडिंग से द इंसर्शन ऑफ बिट्स इनटू गैप्स इन अ डेटा स्ट्रीम। टू फ्रस्ट्रेट ट्रैफिक एनालिसिस अटेम्प्ट्स। तो ट्रैफिक पैडिंग एक टेक्निक है जिसके जरिए जो एम्प्टी स्लॉट्स होती हैं डेटा के अंदर, वहां पे डेटा को इंसर्ट किया जाता है। तो उसमें जो डेटा होता है वो स्पूरियस डेटा होता है, फेक डेटा होता है। इसमें ये ट्रैफिक पैडिंग की जाती है ताकि जो अपोनेंट है वो ट्रैफिक एनालिसिस ना कर सके। हमने डिस्कस किया था कि पैसिव अटैक्स में वन ऑफ द पैसिव अटैक टाइप्स इज ट्रैफिक एनालिसिस। Where user can learn the location history and frequency of data transfer between two users. To avoid such attacks, we can use the technique of traffic padding. In this technique, we add data into data streams. The data added into data stream is a fake, and we can remove that data when data is transferred at destination. तो ट्रैफिक पैडिंग के जरिए हम इसमें इसको जो पैसिव अटैक्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं और जो ओपोनेंट है वो ट्रैफिक पैटर्न से कुछ चीज कुछ भी लर्न नहीं कर सकता। नेक्स्ट है राउटिंग कंट्रोल। राउटिंग कंट्रोल क्या होता है? इनेबल सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलरली physically secure routes for certain data and allows routing changes especially when a breach of security is suspected. So we can have a different routes between two users. We can avoid such routes where traffic is suspicious and there might be any active attack which can alter your data. We can use routing control. तो हम डिस्कस कर रहे थे राउटिंग कंट्रोल। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन लाइक वी हैव टू ब्रांचेस ऑफ
यूनिवर्सिटी, एक कैंपस जो है पिंडी में है और एक इस्लामाबाद में है। तो हम यहाँ से कोई डेटा इस्लामाबाद में सेंड करना चाह रहे हैं या इसी तरह कोई और यूनिवर्सिटी है, कॉन्सेप्ट फास्ट, इनके दो डिफरेंट कैंपसेस हैं। एंड वी वॉन्ट टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन दीज टू कैंपसेस। तो इन दोनों कैंपसेस के दरमियान में डिफरेंट नेटवर्क लिंक्स हो सकते हैं, इनके दरमियान में इवन डिफरेंट नेटवर्क मीडियाज हो सकते हैं लाइक फाइबर ऑप्टिक, वायरलेस, सैटेलाइट। तो वी हैव राउटिंग कंट्रोल, वी कैन चेंज फ्रॉम वन मीडिया टू अदर इवन इफ वी आर ऑन द सेम मीडिया लाइक वी हैव अ रिंग ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, वी कैन यूज डिफरेंट राउटिंग paths to get to the destination। तो अगर हमें किसी भी राउट के ऊपर या इवन किसी मीडिया के ऊपर कोई सस्पिशियस ट्रैफिक जनरेट हो रहा है या कोई उसमें ब्रीच है, सिक्योरिटी ब्रीच है, तो हम उन IPs को, उन राउटर्स को या उस राउट को इवन ब्लॉक कर सकते हैं और किसी अल्टरनेटिव राउट से डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है नोटराइजेशन, द यूज ऑफ अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी टू अश्योर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेटा एक्सचेंज। तो ये आपने सुना होगा नोटरी पब्लिक, ये जो स्टाम्प पेपर होते हैं वो स्टाम्प पेपर को ओथ कमिश्नर से वैलिडेट करवाया जाता है और फिर उसके ऊपर कोई भी एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाता है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड बाय गवर्नमेंट होता है अब, और अब इस तरह की जो सर्विसेज हैं नोटराइजेशन की वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऐसी मोबाइल ऐप्स हैं जो नोटराइजेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है, आप उनको कोई डॉक्यूमेंट देते हैं, उस डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करके और उसको वेरीफाई करके वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसके ऊपर कोई भी एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज को आप उसको डेवलप कर सकते हैं और जो थर्ड पार्टी है नोटरी पब्लिक उसको वेरीफाई कर सकती है। तो जो स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं ये किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल लेयर के ऊपर एनेबल होते हैं। जो परवेसिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म है दे आर not specific to any particular OSI security service or protocol layer, they can be generally implemented on any layer or protocol. So pervasive security mechanism mein first is trusted functionality hai. Trusted functionality says that which is perceived to be correct with respect to some criteria as established by a security policy. तो हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म या कोई ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है जिसके जरिए हम किसी भी रिसोर्स को, एसेट को, डॉक्यूमेंट को, इवन यूजर को हम ट्रस्टेड कह सकते हैं। आपने टर्म सुनी होगी ट्रस्टेड नेटवर्क या पब्लिक नेटवर्क। तो ट्रस्टेड नेटवर्क इज अ नेटवर्क वेयर यू हैव इम्प्लीमेंट योर ओन कस्टमाइज्ड सिक्योरिटी पॉलिसीज, वेयर यू हैव इनेबल्ड फायरवॉल्स, you have antiviruses, you have encipherment, you have enabled encryption. It depends all on your security policy ki aap usme kya security mechanism implement karna cha rahe hain. To jo bhi resource hai ya jo asset hai wo us criteria ko fulfill karta hai to usko hum kehenge trusted functionality. तो एक्चुअली ट्रस्टेड फंक्शनैलिटी इज अ सिक्योरिटी पॉलिसी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी लेबल, द मार्किंग बाउंड टू अ रिसोर्स व्हिच मे बी अ डेटा यूनिट दैट नेम्स आर डेसिग्नेट्स द सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिसोर्स। तो सिक्योरिटी लेबल भी आप कर सकते हैं किसी भी रिसोर्स के ऊपर, लाइक आप जो है यूजर प्रिंसेस एरिया है और जो सर्विस प्रिंसेस एरिया है
उसको डिफाइन कर सकते हैं सिक्योरिटी लेबलिंग से. देन वी हैव इवेंट डिटेक्शन. तो सिक्योरिटी रेलेवेंट्स जितने भी इवेंट्स हैं दे कम अंडर दिस सिक्योरिटी मेथड. सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल. डेटा कलेक्टेड एंड पोटेंशियली यूज्ड टू फैसिलिटेट अ सिक्योरिटी ऑडिट विच इज एन इंडिपेंडेंट रिव्यू एंड एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम रिकॉर्ड्स एंड एक्टिविटीज. तो जो सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल है इसमें ऐसा डेटा कलेक्ट किया जाता है जो किसी भी सिक्योरिटी ऑडिट के लिए यूजफुल हो सकता है. लाइक इसमें लॉग फाइल्स हो सकती हैं, इवेंट फाइल्स हो सकती हैं, जब भी स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाए. जो यूजर डिफरेंट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो उनका रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है और उसको बाद में सिक्योरिटी ऑडिट के लिए यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट है सिक्योरिटी रिकवरी. डील्स विद रिक्वेस्ट फ्रॉम मैकेनिज्म्स. सिक्योरिटी रिकवरी इज अ डील्स विद द रिक्वेस्ट फ्रॉम मैकेनिज्म सच एज इवेंट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट फंक्शंस एंड टेक्स रिकवरी एक्शंस. तो सिक्योरिटी रिकवरी में ये है कि कोई भी अगर कोई डिजास्टर होता है, कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है, तो देन वी हैव रिकवरी मैकेनिज्म. They recover from that breach or that loss to enable the proper functioning of the system. यहाँ पे इस figure में, इस table में आप देख सकते हैं कि हमारे पास तो different services हैं, like peer security authentication, data origin authentication, access control confidentiality, traffic flow confidentiality, data integrity, non-repudiation availability. अब ये सारी सर्विसेज हैं जो हमने नेटवर्क सर्विसेज में हम पढ़ चुके हैं एंड दी सर्विसेज शुड बी एनेबल्ड फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी. तो कौन से मैकेनिज्म किस सिक्योरिटी के ऊपर, सिक्योरिटी सर्विस के ऊपर एनेबल होंगे उसको ये शो किया गया है. लाइक इनसाइफरमेंट जो है वो पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन के ऊपर, और जो डिजिटल सिग्नेचर भी वो इसी सर्विस के ऊपर एनेबल होंगे. इसके अलावा ऑथेंटिकेशन जो है, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज जो मैकेनिज्म है वो भी पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन के ऊपर अवेलेबल होंगे. इसके बाद हमारे पास फिर जो डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन है, इसके इनसाइफरमेंट भी है, डिजिटल सिग्नेचर भी है. एक्सेस कंट्रोल के ऊपर एक्सेस कंट्रोल का मैकेनिज्म अवेलेबल होगा. कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर इनसाइफरमेंट हो सकती है और साथ में राउटिंग कंट्रोल इस पर अवेलेबल किया जा सकता है. इसी तरह ट्रैफिक फ्लो कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर इनसाइफरमेंट हो सकती है, ट्रैफिक पैडिंग हो सकती है और राउटिंग कंट्रोल को इनेबल किया जा सकता है. डेटा इंटेग्रिटी के ऊपर इनसाइफरमेंट है, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं और डेटा इंटेग्रिटी जो मैकेनिज्म है इसको इनेबल किया जा सकता है. देन नॉन रिपुडिएशन के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर्स, डेटा इंटेग्रिटी और नोटराइजेशन को इनेबल किया जाता है. Availability जो है, which is relevant to the availability of the service, इसके ऊपर हम जो है data integrity के ऊपर जो data integrity को enable कर सकते हैं और authentication exchange को enable कर सकते हैं. तो ये जो figure है, ये table है, ये map करता है network security mechanisms को network security services के साथ, कि कौन सी सर्विस के ऊपर कौन सा मैकेनिज्म हम एनेबल कर सकते हैं.